अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। चलें जी, आज का ब्लॉग जो मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है ना, वो आप लोगों से सबसे पहले शेयर कर लूं, क्योंकि ये मैंने कल रात को बनाया था और कुछ मैंने आज सारा दिन में बनाया था, तो मैंने कहा सारा एक साथ ही करके ना आप लोगों से एडिट करके फिर आप लोगों से ना वीडियो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं रात को फिर शॉपिंग करके आई थी। मतलब शॉपिंग क्या, ये ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग लेकर आते हैं मंथ के जो स्टार्टिंग, जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है तो चीज़ें वगैरह लेकर आते हैं। तो ये जी मैं लेकर आई हूँ कूल कूल वालों का जो है ना फेस वॉश, और जी उसके साथ उन्हीं के ब्रांड का जो है ना कूल कूल वालों का जो है मॉइस्चराइज़र है। उसके बाद जी मच्छर बड़े थे रात को, इतना काट रहे, इतने दिन से हमारा मॉइस्चर ख़त्म हुआ हुआ था। ये लिक्विड फॉर्म में लेकर आए, जेल फॉर्म वाला नहीं अच्छा होता। उसके बाद जी हमारा अलीशा भी ख़त्म हुआ हुआ था तो ये लेकर आए, और साथ क्या चीज़ें, पर्चियाँ ही पर्चियाँ भाई, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो रात को ख़रीद के लेकर आए, तो उनकी ये सारी पर्चियाँ जी इनको रखते हैं साइड पर। और जी कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों से यहाँ शेयर करना चाह रही थी, जैसे कि ये हमारा ख़त्म हो गया था फा फा का बहन है कि सिस्टर ही, अल्लाह जाने क्या है। अच्छा ये ना बच्चों बच्चे लेकर आए थे, सिंगल ये पैक, ये इससे पहले ये इन्होंने ब्रांड का यूज़ किया था, ब्रश ऑन है, पाउडर है ये, और ये बहुत अच्छा था, काफ़ी चला उनका, और जो था ना एक्सपेंसिव भी था। लेकिन ये वाला ना हम रिवाज वालों का लेकर आए, अब देखते हैं बच्चे यूज़ करते हैं कभी कभी ना, तो मतलब तो ये देखते हैं कैसा रहता है। पिंक शेड में है ये, वो पिंक नहीं पीच शेड में, लाइट ये मतलब उनकी स्किन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो आप क्या करते हैं जी, हमारे पास ये विनीगर थोड़ा सा मैं इसी शॉपर में निकलाया, क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाह रही थी ग्रॉसरी ना आप लोगों को, शेयर करती हूँ कितनी दफ़ा हम लोग कौन सी एक साथ सारी चीज़ें उठा लेते हैं, बस जो ख़त्म होती है वही चीज़ें लेकर आते हैं। तो वो मैं जो लाई हूँ ना टिप के लिए लेकर आई हूँ, काफ़ी टोटके वगैरह होते हैं ना जो आप लोगों से शेयर करती हूँ, उसमें यूज़ करती हूँ। अच्छा ये जो मॉइस्चराइज़र है ना ये बहुत बेस्ट है, और ये जो कूल कूल है इनके ब्रांड है ना बहुत अच्छा है। दूध मेरा जी आ गया नीडो जो के, मेरी जो चाय का नशा है ना सही अब टूटेगा, मतलब दो कप भी पी लेती हूँ ना इनफ होता है, वरना तो मैं तीन तीन चार चार कप पी रही थी, मुझे कोई पता ही नहीं चल रहा था मैं चाय पी रही हूँ या नहीं पी रही। आदत हो गई ना, 12-13 साल हो गए मुझे नीडो के दूध की चाय पीते पीते, तो अब मुझे कोई और दूध अच्छा ही नहीं लगता चाय के लिए। या मैंने अपने लिए पराठा बनाया था अभी मॉर्निंग टाइम में मेरा, तो यहाँ पे मैं पर्स में पैसे देख रही थी, बेटी की कॉल आई थी कि भाई पार्सल आएगा मेरा, उसे रिसीव करना है आपने, आपको रात को पैसे दे के गई थी, वो अपना हाथ में रख लें ताकि ना जैसे ही पार्सल वाला आए तो मैं आपको कॉल करूँगी, आप रिसीव कर लीजिएगा। उसने असल में ऑनलाइन शॉपिंग की थी, मतलब ड्रेस एक ऑनलाइन उसने मंगवाया था, और ऑफ़ पे था, तो आपको पता है कि ऑफ़ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी सम टाइम आ जाती हैं। अब देखते हैं कि कैसा आता है। अभी जो है ना यहाँ पे मैं पैसे गिन रही हूँ उसी लिए, उसी के सिलसिले में ना, कि जैसे ही वो आएगा ना पार्सल तो मैं रिसीव करूँगी, मैं वीडियो बनाऊँगी दरअसल में, तो लेकिन अगर आज के आज में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कल के व्लॉग में वो ऐड कर लूँगी ना, क्योंकि कल ही आएगा ना फिर अगर आज ना आया तो। अभी तो मॉर्निंग टाइम है ना, अभी क्या टाइम है, कोई तकरीबन 12-12:30 बजे का टाइम है, तो बच्ची की कॉल आई थी कि पैसे हाथ में रख लीजिएगा, हो सकता है पार्सल वाला आए, तो जैसे ही वो आएगा मैं आपको कॉल कर दूंगी, बस ये चक्कर है सारा। तो पैसे इसी सिलसिले में गिन रही थी, कुछ पैसे मुझे चाहिए भी थे क्योंकि मैंने नाश्ते के बाद ना बाजार जाना था सौदा वगैरह लेने, आज कुछ भी नहीं था घर में पकाने के लिए ना, तो मैंने कहा चलो लेकर आती हूँ। तो मैं फिर चिकन भी लेकर आई थी, कुछ सब्ज़ी वगैरह। अच्छा टमाटर प्याज ज़्यादा महंगा हो गया है, 180 रुपये किलो टमाटर, 180 रुपये किलो प्याज है, इतना ज़्यादा महंगी ये दो चीज़ें हो गई हैं। सब्जियों तो वैसे भी कहते हैं कि हाथ ही ना लगाओ तो ना खाओ, चिकन है सस्ता, आजकल चिकन सस्ता हुआ तो अंडे महंगे हो गए, मतलब कहीं तरह किसी तरफ भी इंसान जो है ना खुश नहीं है। तो फिर बस मैं चिकन को थोड़ा सा ना इसमें नमक सारा डालूंगी 2 चम्मच, और इसे डिप करके रख दूंगी। चलो तब तक मैं दूसरे काम कर लूँगी, ये भीगा रहेगा। मैं अपने लिए दही भले लेकर आई थी, मुझे वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, शायद भूख की वजह से वीकनेस हो रही होगी, अल्लाह जाने क्या है। मुझे तो पराठा खा के भी भूख लग रही थी, आज तो हद हो गई थी, तो पराठा खा के बंदा कहता है कि भाई हम फुल हो गए, आज हैवी नाश्ता किया, मेरे तो हैवी नाश्ते से भी कुछ नहीं हो रहा था आज। खैर मैं दही भले की पूरी जो है ना हाफ प्लेट लेकर आई, उसने कहा बाजी 80 रुपीज़ की हाफ प्लेट है, आपको मैं 100 की बना दूँ, उसने फिर मुझे ये 100 की बना दी थी, तो मैंने कहा चलो बना दो मैंने ही खानी है, बच्चे तो हैं नहीं घर में, मैंने ही इसको चट करना है। या मीठी चटनी भी लेकर आई, अभी मैं इसे चेक करूँगी ना, टेस्ट करूँगी इसमें मीठी चटनी कितनी डाली। कुछ लोगों को नहीं ना पसंद होती मीठी चटनी, मुझे पसंद होती, मैं मुझे क्या, मेरे बच्चों को भी पसंद है मीठी चटनी के बगैर वो खाते ही नहीं दही भले, उनको अच्छे ही नहीं लगते। और बाज़ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो मीठी चटनी खाते ही नहीं दही भले में, अगर डली हो तो दही भले ही नहीं खाते। मैंने कहा अच्छी अच्छी अपनी अपनी पसंद है भाई। और यहाँ पे मैंने ना पहले तो इसे सारी मिक्सिंग की, क्योंकि सैलड की मसाले वसाले थे ना, एक ही मुँह में ना आ जाए ना मिर्चों का ढेर, तो अच्छे से मिक्स कर लेना होता है क्योंकि उन्होंने मसाला भी इसमें ऐड किया होता है ना। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर रही थी और मैंने ये सारे खाए थे, मतलब 2 शिफ्टें लगा के खाए थे, इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, साथ साथ काम भी घर के। आज मैंने मशीन भी लगाई थी, आधी आधी छोड़ ही दी थी, मैंने कहा चलो बाद में जब मेरी तबीयत सही होगी ना फिर मैं मशीन के बाकी के कपड़े देखूंगी। वैसे भी आगे 2 दिन बच्चों की छुट्टी आ रही है ना, तो इस वजह से मैं फिर मशीन लगा लेती हूँ, आराम आराम से धोती रहती हूँ 2 दिन लगा के। तो यहाँ पे दही भले खा रही थी, आ जाए जी इससे पहले अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर हम भी इसमें लहरा पान रिम करके खाते हैं।
अच्छा जी, किस किस को दही भल्ले पसंद है जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं किस किस के फेवरेट है और कौन दोपहर में इसको खाते हैं ज़्यादा शौक से। वैसे तो रमज़ान में ज़्यादा खाए जाते हैं लेकिन आम रूटीन में भी हम लोग आजकल ना हमारे गले पता है कितने सही होते हैं। हम लोग ना बहुत ज़्यादा गोलगप्पे खाते हैं, आए दिन हम गोलगप्पे खा रहे होते हैं, उनका पानी पी कर आ रहे होते हैं। तो ये जो है ना हमारी तकरीबन एक हिसाब से रूटीन में ही आ गए गोलगप्पे भी। तो यहाँ पे मुझे ना वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, मैंने कैल्शियम का सैशे टैबलेट होता है ना वो इसमें डिप किया और उसको मैं अब ये पीना चाह रही हूँ, इससे काफ़ी मतलब रिलीफ मिलता है ना। तो मैं आज तो हद ही हो गई थी, खैर मेरी तबीयत नहीं सही थी शायद इस वजह से, हालांकि गले भी सही थे, बुखार भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। बातों से नहीं ना लग रहा होगा क्योंकि मेरी बातों से किसी को भी नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ या मुझे कोई मसला है। हाँ जी ऐसा ही है, बस इंसान अगर खुश रहना चाहे ना तो बहुत तरीके से रह सकता है, ना खुश रहना चाहे तो वो एक अलग बात है। मैं खुश रहना चाहती हूँ, मेरी आदत है और मुझे अपनी जो खुशी रहने वाली एक आदत है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोगों को नहीं पसंद है ऐसी आदतें हैं तो, लेकिन मुझे मैं कहती हूँ कि इंसान की लाइफ जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है अगर वो खुश रह रहा हो। अपने कामों में अपने कामों से काम रखना चाहिए, दूसरे के कामों में बिल्कुल भी इंसान को नहीं इंटरफेयर करनी चाहिए क्योंकि फिर इंसान एक दूसरे की बुराइयों के अलावा कुछ भी नहीं करता। तो इससे बेहतर यही है कि खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखें। तो मुझे यही है, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को खुश रहने से। या किसी की अगर हैबिट है कि वो हैप्पी रहना चाहता है तो उसे रहने दो भाई। यहाँ पे मैं ना इसको दूध को फिल कर रहा हूँ डब्बे में और बाकी मैं ऐसा अच्छा सा ना जो है ना मैंने पैक करके रख दिया यहाँ पे। अब ये है कि मैं यूज़ करूँगी। आज की टिप मेरी बहुत ज़बरदस्त है, देखें जी भाई विंटर स्टार्ट हो रहा है, विंटर स्टार्ट होने से पहले अपनी केयर कर लिया करें, कुछ अपनी अपने प्यारों की, अपने जो होते हैं बुज़ुर्ग हजरात, अपने बच्चे, उन सब की केयर कर लिया करें। इस तरह की बॉटल्स मिल जाती हैं ना मार्केट में, आप ला के रखें घर में, अगर तो आपके पास वो जो वो क्या हो डिस्पेंसर होता है ना, सॉरी हो गर्म और ठंडे पानी का नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बोतल होती है, बहुत ही कारामद होती है, इनमें 24 घंटे पानी गर्म रहता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि विंटर स्टार्ट हो रहा है बच्चों को भी ये कहती हूँ कि इसमें से पानी मिक्स करके पिया करो, इसमें मैं फुल करके भर देती हूँ गरम गरम पानी खोलता हुआ, ठीक है ना। और फिर जो बोतलों में आजकल पानी पड़ा होता है आपको पता है वो कितना ठंडा होता है, जब सुबह सुबह आप उठते हो वो पीते हो तो आप ज़ाहिर बीमार होगे, गला ख़राब होगा, सीना ख़राब होगा, छाती जकड़ी जाएगी, नमूनिया भी हो जाता है उन ठंडे पानी पीने से। तो मैं इस तरह ही भर के रख देती हूँ गर्म पानी। आप लोग भी इस तरह क्या करें, अपने बच्चों को मिक्स करके पानी पिलाया करें और गुनगुना पानी बहुत अच्छा होता है। जिस तरह मतलब गर्मियों में हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है ना, सेम इसी तरीके से विंटर में भी हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है और उतनी ही क्वान्टिटी में ज़रूरत होती है। और ये है कि अगर हम इस तरीके से पानी पियेंगे तो हमारी जो वेन्स होती हैं, सांस की नालियाँ होती हैं, खुली रहती हैं, बंद नहीं होती है, नज़ला ज़ुकाम खांसी फ्लू और छाती जकड़ी नहीं रहती। और ये बहुत अच्छी टिप है, अगर पसंद आए तो लाइक और फॉलो कीजिएगा। बाय बाय।